नमस्कार बच्चों, आज हम वर्नियर थियोडोलाइट का डेमोंस्ट्रेशन करेंगे। ये हमारा थियोडोलाइट है और हम लोगों ने कक्षा में पढ़ा भी होगा, क्लास में। इसका जो है जो यूज होता है वो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रेंजिंग रॉड स्थापित करके उसको हम जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं, जिसके जो मेथड हैं रिट्रेशन मेथड और रिपीटेशन मेथड, वो इसी से हम यूज करते हैं। तो वर्नियर थियोडोलाइट में मेन चीज होती है उसमें वर्नियर होता है। यहाँ पर ये जो है हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे अपर प्लेट और लोअर प्लेट दो होती हैं, और इसमें ऊपर जो है अपर प्लेट वर्नियर गेज होती है और नीचे आपकी थियोडोलाइट वाली लोअर प्लेट होती है। और ये वाली जो है ये हमारी वर्टिकल प्लेट है। ये वर्टिकल जो होती है इसी से हम वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं, और इससे हम लोअर जो होती है इससे हम जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं। और इसमें इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसको लेवल करने के लिए ये फुट स्क्रू, यहाँ ये हमारे नीचे सबसे फुट स्क्रू होते हैं। फुट स्क्रू से हम जो है सेटअप करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, लेवल करते हैं। लेवल करने से ये हमारा ये यहाँ से सेटअप हो जाता है, और ये फुट स्क्रू लेवल करने के बाद फिर इसके बाद ये हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा जो बबल है ये हमारा बीचों बीच में स्थापित हो जाना चाहिए। और इसी तरह से ऊपर ये ऊपर बबल देखने के लिए ये ग्लास लगा होता है, और यहाँ पर भी हमारा सेंटर में ही होना चाहिए बबल। और ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है, और ये आईपीएस ये जो लेंस है ये हमारा वही दूरबीन जिसको कहते हैं। तो इसमें इधर ये हमारा आंख की तरफ आई वेन हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट वेन है। और इसको ऊपर नीचे करने के लिए ये वाला स्क्रू, ये इस सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लेने पर इसको हम एकदम पैरेलल करते हैं, और इससे हम ये हमारा जो स्क्रू है इससे हम विजिबिलिटी क्लियर करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्लियर देखने के लिए इसको यहाँ यूज करेंगे। और हेयर क्रॉस जो हमारे क्लियर होते हैं वो इससे होते हैं, यहाँ पे आई पीस के पास जो बटन होते हैं। और इसमें ये जो होते हैं ये हमारे लेंस लगे होते हैं। हमारे जो वर्नियर होते हैं उनकी डिजिट काफ़ी छोटी होती है, उनको देखने के लिए ये लेंस लगे होते हैं उसी पे, इधर ये और ये इधर। और इसके बाद ये इससे हम जो है इससे स्लो मोशन का ये स्क्रू है, इससे सेंटरिंग ऑब्जेक्ट और हमारा जो साइड रे होती हैं उसको सेंटर करने के लिए ये यूज किया जाता है लूज मोशन स्क्रू। और इसके ये हमारे जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है उसमें लेंस लगे हुए हैं, ये इससे हम देखते हैं रीडिंग को देखते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारा है ये सेंटरिंग करने के लिए ये यहाँ पे लगा होता है स्क्रू सेंटरिंग। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ नीचे जो हमारा थियोडोलाइट होता है उसके नीचे सेंटर पर एक पॉइंट हमको दिखता है, और उससे हम वहाँ से सेंटरिंग करते हैं, वहीं से हम आगे जो है फीते से डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसके बाद ये हमारा ये है लोअर प्लेट और अपर प्लेट दोनों को जो है ये फिक्स करता है। अगर इसको हम ढीला करते हैं तो ये अपर प्लेट और लोअर प्लेट फ्री हो जाती है, ये इधर मूव करेगी ये इधर मूव करेगी, इसलिए ये जो है ये नीचे वाला ये अपर प्लेट स्क्रू है
और इधर ये लोअर प्लेट का स्क्रू है, ये हम टाइट करेंगे लोअर प्लेट का स्क्रू तो हमारी लोअर प्लेट फिक्स हो जाएगी। और हमको अगर मोशन करना है, स्लो मोशन में रखना है, तो ये पॉइंट इससे करेंगे। इसी तरह से ये अपर प्लेट का ये यहाँ पे होगा, इससे फिक्स करेंगे और ये वाला पॉइंट इससे स्लो मोशन में उसको ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में घुमाएंगे। तो ये सारा इसका सेटअप है। इस तरह से हम जब परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम सेंटरिंग करते हैं, फिर इसके बाद लेवलिंग करते हैं, और लेवलिंग करने के बाद फिर इसके बाद हम अपना वर्क चालू करते हैं। तो सेंटरिंग ये सब फील्ड में होती है, तो इसको जब क्लास में हो मौसम ठीक होगा तब ये इसको परफॉर्म किया जाएगा। और इसको परफॉर्म करने का तरीका तभी बताया जाएगा, सबसे पहले जो स्टेप हैं वो हमने बता दिए हैं कि सबसे पहले हम सेंटरिंग कर लेंगे यहाँ इस पॉइंट से। इसके बाद ये तीन जो फुट स्क्रू हैं इससे हम थियोडोलाइट को लेबल करेंगे। लेबल करने के बाद फिर इसके बाद हम इसमें जो लोअर प्लेट होती है उनमें जीरो जो होता है जीरो से 360 इसकी जो प्लेट होती है वो 360 तक एंगल होती है, तो हमको जीरो से 00 सेट करना है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसकी रीडिंग लेकर के फिर इसके बाद फिर सेकंड ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेंगे और उनके जो बीच में एंगल होगा उसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह कई बार इसमें रीडिंग लेते हैं और फिर उनका एवरेज करके वो हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वर्नियर थियोडोलाइट है और उसका ये डेमोंस्ट्रेशन है। आप लोग जो है इसको परफॉर्म करिएगा। धन्यवाद।